बच्चों नमस्कार, मैं मोहम्मद शमसुल अंसारी जीडी गोयन का गया बिहार से आज पुनः आप लोगों के लिए कक्षा पाँचवीं के लिए प्रकरण सर्वनाम लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसमें हमने यह बताया था कि जिन वाक्यों के मध्य क्या, कैसे, कौन, क्यों, कहाँ, किसे, किसने, किस लिए आदि शब्द आते हैं वह क्या हो जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमने समझाया था कि तुम कहाँ जाते हो, तो कहाँ शब्द मध्य में आया तो क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। क्या वह दुबला है, अर्थात प्रश्न किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो जब भी यह शब्द आए क्या, कैसे, क्यों, कौन, कहाँ, किसे, किसने, तो जहाँ भी प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो निजवाचक सर्वनाम वह होता है, इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए, जिससे कि स्वयं अपने का बोध होता है, अर्थात अपनेपन का बोध होता है। डेफिनेशन देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, ठीक है, अपने लिए करता है, वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात हमने अभी बताया कि जिससे अपनेपन का बोध होता है, स्वयं के लिए, जिसमें, जिस वाक्य में स्वयं के लिए कोई शब्द आए, जैसे कौन से शब्द आए, अपने आप ही, स्वयं ही या खुद ही, जिन वाक्यों में यह शब्द आए वह क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। उदाहरण देखें, वह अपने आप आया और चला गया, अपने आप मतलब स्वयं आया और स्वयं चला गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वह काम स्वयं करना, अपना काम स्वयं करना चाहिए, अर्थात कि कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही अपने आप और स्वयं शब्द आए हैं तो हम तुरंत पहचान गए कि निजवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। पहचानने के लिए अपने आप ही, स्वयं ही, खुद ही आदि शब्द आए तो वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और हमने इससे संबंधित जो है आप लोगों को अभ्यास कार्य दिया है, अधिक से अधिक उसको बनाएंगे घरों पर रहकर, और किताब के भी अभ्यास कार्य को बनाएंगे। इस प्रकार सर्वनाम आप लोगों का समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिन।